खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज और सार। प्रदेश की जनता को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर नल की योजना बनाकर शीघ्र ही लोगों तक शुद्ध जल देने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अफसरों को इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने के निर्देश भी दे रहे हैं और साथ ही यह हिदायत भी दे रहे हैं कि अगर लापरवाही सामने आई तो अफसर सजा भुगतने के लिए तैयार भी रहें। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री शुद्ध पानी की उपलब्धता को लेकर इतने गंभीर हैं, तो वहीं सोनभद्र के एसपी ने भी पुलिसकर्मियों को शुद्ध पानी न मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए एक फरमान जारी कर दिया। एसपी ने जिले के सभी थाना प्रभारियों और पुलिस लाइन के आरआई को सख्त हिदायत दी कि अगर पुलिसकर्मियों को पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिला तो कड़ी कार्यवाही के साथ थानेदारी भी जा सकती है। एक बहुत भौगोलिक रूप से बहुत दुर्गम क्षेत्र है जहां पर जो पीने का पानी है जो भूगर्भ से आता है उसमें कई तरह के रसायन मिले हुए हैं, जैसे कहीं कहीं फ्लोराइड की समस्या है, कहीं पर आर्सेनिक की समस्या है, जिसकी वजह से यहाँ की जनता भी त्रस्त रहती है। तो जब हमारी फोर्स, चाहे वो सिविल फोर्स हो, चाहे सीआरपीएफ के जवान हो, चाहे पीएससी के जवान हो, जब बाहर से यहाँ नौकरी करने आते हैं तो उनको भी इस समस्या से दो चार होना पड़ता है कि जो वहाँ जो उनका ग्राउंड वाटर है उसमें कहीं आर्सेनिक है, कहीं फ्लोराइड है, तो उसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने हर थानों पर और जहाँ जहाँ हमारी नक्सल चौकियाँ हैं हर जगह पर हमने आरओ प्रोवाइड किए हैं और जिनका हम एनुअल मेंटेनेंस भी कराते हैं। लेकिन कभी कभार अक्सर होता है, चूंकि नीचे से इतना खराब पानी आता है कि वो आरओ अक्सर खराब हो जाते हैं। इसलिए मेरे द्वारा एक तो आरआई को ये निर्देश दिए गए हैं कि हर 15 दिन पे वो स्वयं या फिर अपने सबॉर्डिनेट के द्वारा जाकर के इन सभी आरओस को चेक करेंगे कि आरओ खराब तो नहीं है, अगर खराब है तो उसको सही कराया जाए। साथ ही सभी थाना प्रभारियों को और चौकी प्रभारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो भी हर 15 दिन में एक बार अवश्य जाकर के उन आरओ को चेक करेंगे, उनका पानी पिएंगे और यदि किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो उसकी रिपोर्ट मेरे पास भेजेंगे ताकि हम अपनी फोर्स को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा सकें। मुख्य रूप से पेयजल प्रोवाइड कराने की जो जिम्मेदारी है वो हम सभी के ऊपर है। तो चूंकि पीएससी के जवान और सीआरपी के जवान बाहर से आते हैं, उनका सीधे जिला प्रशासन से और जिला पुलिस से संपर्क नहीं होता है, तो उनकी समस्या का निदान करना जिला पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर इसमें उनकी, जैसे उन्होंने आरओ खराब है और उसको समय से नहीं बनाया जा रहा, इस प्रकार की गंभीर बातें अगर हमारे संज्ञान में आएंगी तो जो भी जिस थाने से संबंधित होगा थाना प्रभारी के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आरआई जो इस सबके लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेरी आशा है कि चूंकि इस सबके लिए हम सभी, पूरा प्रदेश सरकार भी इस सबके लिए आशान्वित है, अच्छा कार्य कर रही, तो इस प्रकार की समस्या आने नहीं दी जाएगी। प्रदेश की जनता को शुद्ध पानी की उपलब्धता पर कड़े तेवर को देखते हुए अफसर भी सख्ती में हैं, जिसको देखते हुए सोनभद्र के एसपी ने सभी थाना प्रभारियों और पुलिस लाइन के आरआई को सख्त हिदायत दी कि अगर पुलिस कर्मियों को शुद्ध पानी नहीं मिला तो कार्यवाही के लिए तैयार रहें। सोनभद्र नक्सल प्रभावित जनपद के साथ साथ जंगल और पहाड़ों से घिरा है। यहाँ के पानी में आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिससे स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, जिसे देखते हुए जिले के हर थानों और चौकियों पर आरओ सिस्टम लगाया गया था ताकि पुलिस कर्मियों को शुद्ध पानी मिल सके। लेकिन काफी समय से एसपी को यह शिकायत मिल रही थी कि कई थानों पर आरओ खराब चल रहा है, जिससे बॉर्डर पर तैनात पुलिस कर्मियों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। इस बात से नाराज एसपी ने एक फरमान जारी करते हुए यह कहा कि अगर आरओ ठीक नहीं हुआ या निरीक्षण के दौरान कोई गड़बड़ी पाई गई या फिर किसी पुलिसकर्मी द्वारा शिकायत मिली तो पुलिस लाइन के आरआई के साथ संबंधित थाना प्रभारी पर कड़ी कार्यवाही के साथ थानेदारी भी जा सकती है। सोनभद्र के एसपी आशीष श्रीवास्तव ने खबर यूपी लाइव से खास बातचीत की।